जय हिंद दोस्तों। देखिए अभी हर किसी व्यक्ति का किसी न किसी बैंक में अकाउंट जरूर रहता है। किसी किसी व्यक्ति के पास तो दो दो अकाउंट है, किसी किसी व्यक्ति के पास तीन तीन अकाउंट है, चार चार अकाउंट है, पांच पांच बैंक अकाउंट। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, आपके पास जितने भी अकाउंट है उससे मतलब नहीं है। अब अगर आप एक्टिव नहीं है तो आपका पैसा डूब सकता है। चाहे वो सरकारी बैंक ही क्यों ना हो, प्राइवेट बैंक ही क्यों ना हो, कोई बड़ा बैंक ही क्यों ना हो, आप अगर थोड़ी सी गलती करते हैं, आप अगर एक्टिव नहीं रहते हैं तो आपका पैसा डूब जाएगा। उस पैसे को रिकवरी करने के लिए आपको बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा, बहुत परेशानी होगी, और वो पैसा रिकवरी होगा कि नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर होगा भी तो बहुत सारा लंबा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। तो कौन सी गलती की वजह से पैसा डूबेगा, इसके लिए आप जानकारी चाहते हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना होगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं उस टॉपिक को ही वीडियो बनाऊंगा। आते हैं सीधे मुद्दों पे। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 35,000 करोड़ रुपया सभी बैंकों ने, जितने भी बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, HDFC बैंक हो, जितने भी बैंक हो जो RBI के अंडर में काम कर रही है, 10 सरकारी बैंक है लगभग, सभी ने मिलकर 35,000 करोड़ रुपया RBI को सौंप दिया है। क्यों सौंप दिया है? वो इसलिए सौंप दिया है, बैंक ने ये कहा है कि इस पैसा को कोई लेने देने वाला नहीं है, कोई लेनदार नहीं है। 35,000 करोड़ रुपया आप समझ लीजिए कितना बड़ा रकम होता है। अभी कौन सा पैसा है मैं आपको बता दूं, तो ये पैसा वो है जैसे कि आपने अकाउंट खोल लिया। मैंने आपको पहले ही बताया आपके पास दो अकाउंट है, तीन अकाउंट है, चार अकाउंट है, पांच अकाउंट है, कितना भी अकाउंट है मतलब नहीं, लेकिन आपको एक्टिव रहना जरूरी। अब ये पैसा कैसा था? ये पैसा ऐसा था कि कोई व्यक्ति अकाउंट खोल लिया और उस पर पैसा उसने डाल दिया, 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, और वह व्यक्ति उस अकाउंट पर लेन देन कर ही नहीं रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो FD की तरह समझ के छोड़ दिया कि भाई कभी लेन देन करेंगे, कोई एक अकाउंट है जिस पर लेन देन कर रहा होगा, बाकी छोड़ दिया, भूल गया, ध्यान में नहीं रहा, या फिर ध्यान में भी है लेकिन एक्टिव नहीं है, लेन देन नहीं कर रहा है उसमें। तो उस अकाउंट को बैंक ने समीक्षा करके ये पाया कि या तो ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई हुई है, या फिर इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, या फिर इसका कोई नॉमिनी नहीं है, या फिर इसका कोई आश्रित नहीं है, इसीलिए उस पैसे को जब्त कर लिया। और 10 साल ही इंतजार करती है बैंक ने, 10 साल तक देखा कि कोई इसका लेनदार नहीं है, लास्ट में उस पैसे को, वैसे पैसा को जब सारा का एक जगह किया गया तो पता चला 35,000 करोड़ रुपया से अधिक पैसा पाया गया। तो बैंक रख के क्या करेगी, इस तरह के पैसा का हिसाब देना होता है। तो बैंक ने RBI को दे दिया कि ये लीजिए पैसा, इस पैसे की कोई मालिक नहीं है, इस पैसा का कोई लेनदार नहीं है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है तो अब क्या होगा कि सालाना RBI ने निर्देश दिया है कि सालाना अब वार्षिक समीक्षा किया जाएगा। मतलब हर अकाउंट का, कोई भी बैंक अकाउंट है उसका वार्षिक समीक्षा किया जाएगा साल में कि इस खाताधारक ने कोई लेन देन किया है या नहीं किया, एक बार भी पैसा जमा किया है या नहीं किया है, या फिर एक बार भी पैसा निकाला है या नहीं निकाला है। एक बार भी अगर लेन देन नहीं हुआ है, मतलब एक बार भी डला नहीं या फिर निकला नहीं है, तो उसकी समीक्षा की जाएगी, उसके नॉमिनी को नोटिस किया जाएगा। अब वो नोटिस जरूरी नहीं कि बैंक नोटिस भेजेगी और घर पे पहुंच ही जाए, हो सकता है किसी कारणवश नोटिस नहीं मिले, आपका ध्यान नहीं जाए, आप लेन देन नहीं कर रहे हैं और आपको ध्यान ही नहीं रहे, तो वैसे पैसों का होता क्या है, फिर 2 साल और इंतजार करना पड़ेगा। 2 साल और इंतजार करेगा बैंक, उसके बाद क्या करता है, उस खाते को फ्रीज कर देती है बैंक, या फिर डोरमेट बना देता है। डोरमेट अकाउंट आपने सुना होगा, मतलब कि उस अकाउंट में पैसा आ तो सकता है, कहीं से भी ऑनलाइन पैसा आएगा या फिर जमा हो जाएगा, कोई भेजेगा तो, लेकिन निकाल नहीं सकते उस पैसे को। उस पैसे पर बैंक का हमेशा नजर रहेगा, बैंक उसकी समीक्षा करती रहेगी। अब क्या है कि उसको अगर अकाउंट धारक है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका नींद खुलता है, पता चलता है मेरा तो अकाउंट था, वहाँ पर पैसा था, कुछ पैसा पड़ा हुआ था, 10,000, 20,000 या 50,000 रुपया, लेकिन वो अकाउंट है, मैं लेन देन नहीं कर रहा था, जाएगा अकाउंट से निकालने के लिए, तो उसे भी पैसा नहीं मिलेगा। उसे क्या करना होगा, फिर से KYC कराना होगा, नया डॉक्यूमेंट्स के साथ में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, और एक KYC फॉर्म भरकर वहां जमा करना पड़ेगा। जब KYC हो जाएगा, उसका अकाउंट को फिर से नया की तरह ओपन किया जाएगा उसको, तब जाके उसकी पैसा रिकवरी होगी। और इसके बीच में जितना भी उसके चार्जेज होंगे, चाहे ATM कार्ड का चार्ज हो, चेकबुक का चार्ज हो, जो भी उसने सर्विस लिया हो उसका चार्ज हो, वो सब काटा जाएगा। और उसके अलावा जो उसका इंटरेस्ट बनेगा उस पैसों पे, वो इंटरेस्ट भी उसे हालांकि दिया जाएगा, KYC कराएंगे तब जाकर चालू किया जाएगा। और 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है
तो वो पैसा आरबीआई को सौंप दिया जाएगा। ये जो 35,000 करोड़ रुपया आरबीआई को जो सौंपा गया है, इसमें मैं आपको बता दूं 1,24,00,000 खाता धारक का यह पैसा था। 1,24,00,000 खाता धारक ऐसा है, अकाउंट होल्डर ऐसा था जो बैंक अकाउंट में लेन देन करता ही नहीं था, उस अकाउंट से उसको मतलब ही नहीं था और उसमें पैसे पड़े हुए थे। कोई भी दावा करने नहीं आया, कोई भी क्लेम करने नहीं आया, तो उस पैसे को, सारे पैसे को जब मिलाया गया 1,24,00,000 अकाउंट का, तो उसको 35,000 करोड़ रुपया हुआ और उस पैसे को आरबीआई को सौंप दिया गया। क्योंकि 10 साल के बाद बैंक ये समझ लेती है, आरबीआई ये समझ लेती है कि वह व्यक्ति मर गया, मरा हुआ मान लेती है और वो पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। आपको बता दूं 2014 में सरकार द्वारा, 2014 में केंद्र सरकार द्वारा डीईएफ नाम का एक संस्था बनाया गया, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, ये सरकार द्वारा बनाया गया 2014 में। उसमें क्या है कि जितने भी इस तरह के पैसे होंगे जिसका कोई दावा करने वाला नहीं होगा, कोई लेनदार नहीं होगा, वो पैसा आरबीआई के डीईएफ इसी संस्था के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। इससे बेहतर है कि आप अकाउंट अगर खुलवाते हैं तो उतना ही अकाउंट रखें जितना में लेन देन आप कर रहे हैं, पहला नंबर तो ये बात। दूसरा नंबर ये बात है कि अकाउंट आपके पास 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है, तो अपने पास डिटेल्स रखें पूरा कि किस अकाउंट में कितना लेन देन कर रहा है, नहीं कर रहा है, कितना पैसा डाल रहा है, कितना पैसा निकाल रहा है, या फिर लेन देन आप नहीं भी कर रहे हैं तो अकाउंट में इतना जरूर करें कि साल में एक बार जरूर पैसा लेन देन करें, चाहे 2,000 रुपया ही डालें और 200 ही निकालना है, 500 ही निकालना है, तो एक बार डालना और निकालना जरूर कर लें। इससे क्या है कि आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, क्योंकि अब हर अकाउंट पे वार्षिक समीक्षा होगी। इस बात को समझ लीजिए, किसी भी बैंक का हो, 12 लगभग सरकारी बैंक है, सब में अब वार्षिक समीक्षा होगी। तो इसीलिए जरूर थोड़ा ही सही लेन देन कीजिए, जरूरत है तभी अकाउंट रखिए। और हालांकि अकाउंट की सबकी जरूरी, लेकिन जितना जरूरत है उतना ही अकाउंट रखिए, ये बात समझिए। इसमें सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 800 करोड़ रुपया दिया है डीईएफ फंड में, पंजाब नेशनल बैंक ने 5,340 करोड़ रुपया दिया है और केनरा बैंक ने 450 करोड़ रुपया दिया है। समझ लीजिए कितनी बड़ी सरकारी बैंक है, इतना इतना पैसा दिया जा रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा इन्हीं सभी बैंक में लोगों का अकाउंट था और बहुत सारे लोग जो है, जो कम पढ़े लिखे हैं, कम जानकार है, अनपढ़ है, उन लोगों के, ज़्यादातर लोगों का सरकारी इस तरह के बैंक में ही अकाउंट होता है और वो लोग प्रोसेस को नहीं जानते हैं, भूल जाते हैं या फिर अकाउंट खोल लेते हैं, लेन देन नहीं करते हैं। आज के डेट में भी उन लोगों का वैसे लोगों का पैसा था। हालांकि अब तो लोग एक्टिव हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, अब एटीएम कार्ड का जमाना आ गया है, अब ऑनलाइन जमाना आ गया है, लोगों का मोबाइल नंबर मेंशन रहता है, लोगों को मैसेज आता रहता है, सब चीज़ अपडेट होता रहता है, तो अब दिक्कत नहीं आती है, अब लोग जागरूक हो गए हैं, सरकार भी समय समय पर लोगों को जागरूक करती रहती है। लेकिन ये पहले का पैसा था, जो अब से पहले 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले तक जो तक का पैसा जो था, जो लोग मर गए या फिर ध्यान नहीं दिए या फिर उन्होंने जो अकाउंट था उसको कोर बैंकिंग नहीं कराया, केवाईसी नहीं कराया, वैसे लोगों का पैसा था। हालांकि इससे लोगों को सबक लेना चाहिए, अब ऐसा काम नहीं करें कि आपका पैसा थोड़ा ही सही ना डूबे, बड़ा मेहनत की कमाई होती है। सरकार ने आपको मौका दिया है, सरकार इसीलिए आपको जागरूक करती है और आपको समय समय पर इस तरह का इन्फॉर्मेशन देती रहती है, नोटिफिकेशन देती रहती है कि आप एक्टिव रहिए। इससे क्या होता है कि आप एक्टिव रहेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका ध्यान भी रहेगा, आपका उत्तराधिकारी को भी पता रहेगा और आपका पैसा कहीं बैंक में नहीं डूबेगा। दोस्तों, समय समय पर इसी तरह की नई नई जानकारी लाता रहता हूँ, जो भी अपडेट आता है, चाहे बैंक से संबंधित हो, इंश्योरेंस से संबंधित हो, लोन से संबंधित हो, किसी भी फाइनेंशियल सर्विस से संबंधित हो, इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, तो ये कुछ भी रहता है मैं आपको पहले अपडेट देने का कोशिश करता हूँ। तो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप ही के मुद्दे पर होगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।